और सीधा रुख करेंगे बिरसा चौक का, जहां अर्जुन मुंडा माल्यार्पण कर रहे हैं। समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जनजाति समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और उस दिवस को राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में समस्त जनजाति समाज और देशवासी मनाए कि जनजाति समाज का जो गौरव इतिहास है उसको हम कैसे और बेहतर तरीके से आत्मसम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ मनाते हुए संकल्प लें। देश में ऐसे जनजाति समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आहुति दी है, अपना कुर्बानी दिया है, अपना बलिदान दिया है। उन सारे लोगों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम आज से जनजातीय गौरव दिवस मना करके उन्हें सम्मान करेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और उनसे प्रेरणा लेकर आगे कैसे बढ़े यह हम सुनिश्चित करेंगे। तो मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को, जनजाति समाज को, वही राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, राज्य के सभी नागरिकों को और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आशा रखता हूँ कि हम संकल्पबद्ध तरीके से आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो अपने गांव से प्रारंभ करें। सर मुख्यमंत्री अभी आए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गौरव दिवस से समाज को भी देखना होगा, उसके बेहतरी के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, सरकार है। राष्ट्रीय गौरव दिवस इस देश के तमाम जनजाति समाज को एक नया उत्साह, आत्मविश्वास और आने वाले दिनों के संकल्पों को दोहराता है। इसलिए किसने क्या कहा मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, मुझे यही कहना है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद गौरव दिवस मनाने का मौका आदिवासी समाज को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कैबिनेट के द्वारा फैसला करने के बाद प्रत्येक वर्ष अब इस दिवस को भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के तमाम ऐसे जनजाति समाज के रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आत्मगौरव महसूस करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।